Good morning, my dear students. I welcome to you this digital platform from Tuckettodds Public Semi-Secondary School, Barmer. As you know, we were reading our topic direct and indirect speech. Now we start with let sentences. Let के sentence जो हमने active passive speech पढ़े थे, let के sentence अब indirect speech के अंदर होते हैं. तो किस तरीके से change होते हैं? Direct होते हैं तो किस तरीके से indirect के अंदर change होते हैं? देखते हैं. इसका रूल नंबर फर्स्ट है, इफ अगर इन द रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर द मीनिंग ऑफ लेट सेंटेंस, लेट सेंटेंस का मतलब सजेशन है, सुझाव है, प्रपोज प्रस्ताव है या विश है, देन तब सेट टू चेंजेस इनटू प्रपोज्ड टू सजेस्टेड टू और विश टू. तब सेट टू किसमें चेंज होगा? Proposed to, suggested to और wished to में. कब? जब let वाला sentence शुरू हो रहा है. For example देखो, let us play football today. आओ हम आज football खेलें. तो football खेलने का क्या है? वो क्या कर रहा है? सुझाव दे रहा है? नहीं. वो क्या कर रहा है? वो proposal रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि क्या हम आओ हम क्या करें football खेलें. तो ये proposal है. जो proposal होगा sentence के अंदर, let से sentence शुरू हो रहा है और रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये लगता है कि प्रपोजल है, तो उस प्रपोजल को, इस प्रपोजल को किस में चेंज करेंगे हम? इस प्रपोजल को चेंज करेंगे प्रपोज्ड टू में. कहने का मतलब सेड टू यहां पर किस में चेंज होगा? प्रपोज्ड टू के अंदर चेंज हो जाएगा. तो राम सेड टू मी, तो यहां पे क्या जाएगा? राम प्रपोज्ड टू मी. तो ये सेड टू जो है ना हमारा इसमें चेंज होगा प्रपोज्ड. ठीक है. अब यहां तक तो हमें क्या पता चला कि इफ अगर इन द रिपोर्टेड स्पीच द मीनिंग ऑफ लेट सेंटेंस इज अ सजेशन प्रपोज्ड और विश, देन सेड टू चेंजेस इनटू प्रपोज्ड टू सजेस्टेड टू और विश टू. यहां तक आपको समझ में आया. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट हिम कंप्लीट दिस लेसन फर्स्ट. मुझे जो है यह मेरा लेसन पूरा करने दो, यानी कि कोई काम दूसरा होगा. किसने किसको कहा? सी सेड टू हर सिस्टर. उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे पहले अपना ये करने दो. उसने सुझाव रखा कि क्या मैं यह पहले कर लूं, बाद में दूसरा कोई काम करते हैं. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ विश नहीं है, यहाँ प्रपोजल नहीं है, यहाँ सजेशन है कि क्या मैं पहले सुझाव दिया कि पहले ये मैं काम कर लूं, उसके बाद दूसरा कोई काम करते हैं, पहले मैं लेसन कंप्लीट कर लूं. तो सेंटेंस का सेंस निकलता है यहाँ पर सजेशन का. जब सेंटेंस का सेंस सजेशन का निकलेगा तो सेट टू किसमें चेंज हो जाएगा? जैसे और भी बना सकते हो, जैसे लेट मी टेक, लेट मी टेक सम चॉकलेट्स, मुझे कुछ चॉकलेट्स लेने दो. तो इसमें विश आ जाएगा. उसकी इच्छा क्या है? कि वह कुछ चॉकलेट लेना चाहती है. तो लेट मी टेक सम चॉकलेट्स, तो लेट मी टेक सम चॉकलेट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? विश आएगा. जैसा सेंस निकलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अकॉर्डिंग हम सेट टू को प्रपोज्ड, सजेस्ट टू, सॉरी प्रपोज टू, सजेस्ट टू और विश टू में चेंज करेंगे. प्रपोजल निकला है तो प्रपोज टू, सजेस्ट निकला है तो सजेस्टेड टू और विश निकला है तो विश टू. जैसा सेंटेंस का सेंस, वो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस देखेंगे. ठीक है, यहां तक आया समझ में? नेक्स्ट लाइन देखो, लेट इज रिप्लेस्ड विद शुड. फिर क्या होगा? इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस के अंदर दे रखा है ये वर्ड लेट, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस है. तो लेट को हम किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज करेंगे. कहने का मतलब लेट वर्ड जब डायरेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे तो लेट वर्ड हट जाएगा और लेट वर्ड के जगह क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा. नहीं मतलब इधर लेट था, हम लेट की जगह शुड किया. फिर क्या करते हैं हम? कंजंक्शन किससे यूज करेंगे? इस कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे. ठीक है, एक बार फिर से इस सबको छोड़ो, आप अपना माइंड में रखो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो रहा हो और उस सेंटेंस के अंदर सजेशन का, प्रपोजल का या विश का सेंस निकलता हो, तो हम सेट टू को प्रपोज टू, सजेस्टेड टू और विश टू में चेंज करते हैं. पहली बात. दूसरी, तब हम क्या करते हैं? लेट को रिप्लेस किससे करते हैं? शुड से. लेट को किस में चेंज करते हैं? शुड में चेंज करते हैं. ये तो होगी दो चीजें. और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमेशा फॉरएवर व्हेन वी मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस then we always use affirmative tags. Affirmative or negative. मैंने आपको रूल लिखा है. Affirmative या negative में change होगा. है ना sentence. कभी भी interrogative question mark वाला वापस indirect speech नहीं बनेगा. तो यहाँ पर भी हमें sentence वापस कैसा चाहिए? Affirmative या negative.
सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अफर्मेटिव इसका सेंस पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, नेगेटिव नहीं है, तो वापस सेंटेंस कैसा बन जाएगा? अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकल रहा होता तो वापस कैसे सेंटेंस बनता? नेगेटिव। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कैसा भी सेंटेंस हो, हमें कैसा चाहिए वापस? हमें अफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू किससे होता है भाई? हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। चलो एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मी लेट अस प्ले फुटबॉल टुडे। राम प्रपोज टू मी, यहाँ ठीक है, कंजक्शन डेट आ गया यहाँ पर भी ठीक है। अब देखो, अब आपको सेंस समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ भी। उसने क्या कहा? राम ने मुझसे कहा कि आओ फुटबॉल खेलते हैं आज। तो राम ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हमें आज फुटबॉल खेलना चाहिए। तो यहां पर वी क्यों आएगा? क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग, देखो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों खेलना चाहते हैं, प्रपोज साथ में खेलेंगे, तो वी शुड प्ले। आई शुड नहीं आएगा, ही शुड नहीं आएगा, या क्या आएगा? वी आएगा, वी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि लेट किसमें चेंज होगा? शुड। यहां पर ऐसे मान लो कि लेट ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मान लो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे सब्जेक्ट के बाद रखते हैं वैसे। तो लेट को हमने चेंज किया, इस लेट को हमने चेंज किया शुड के अंदर, ठीक है। और शुड तो हमेशा पता ही हमें कि सब्जेक्ट के बाद में आता है अफर्मेटिव में, वी के बाद आ गया शुड। प्ले का प्ले, फुटबॉल का फुटबॉल, टुडे का मैंने आपको लिखा था दैट डे, क्या लिखा था? दैट डे। टुडे किसमें चेंज हो जाएगा? दैट डे में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंस समझो, उसके अकॉर्डिंग आप इनडायरेक्ट स्पीच बना दो। टू रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कंजक्शन डेट लगाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं सर। सी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा लेट हिम कंप्लीट दिस लेसन फर्स्ट, कि उससे पहले अपने क्या करने दो, अपना लेसन पूरा करने दो। तो सर उसके सामने सुझाव रख, देखो वहां विश तो आएगा नहीं, इसके अंदर प्रपोज तो आएगा नहीं, प्रस्ताव रखा नहीं, सुझाव रखा कि पहले मैं ये कर लूं फिर अपन दूसरा पे काम करते हैं। तो उसने फिर आगे किया होगा आगे, तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सेट टू चेंज हो जाएगा। तो यहां पे सेट टू चेंज होगा सजेस्टेड में। तो सी सेड टू हर सिस्टर, तो सी सजेस्टेड हर सिस्टर, डेट आ गया। अब देखो, अब यहां पर हिम है, अब सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? क्या लेसन दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं ना, लेसन को अकेले कंप्लीट कर रही है। और ये क्या है? दोनों बहने हैं, तो ये क्या है? ये शी है, तो यहां पे क्या जाएगा? शी, सॉरी यहां पे हिम नहीं आएगा, लेटर। लेटर कंप्लीट दिस लेसन फर्स्ट, तो लेट हर आएगा, तो यहां पे क्या जाएगा? सी आ जाएगा। फिर सी के साथ क्या ऐड होगा? जैसे लेट को हम किस में चेंज करते हैं? शुड में चेंज करते हैं, तो पहले आ गया सी, लेट का आ गया शुड। तो सी शुड कंप्लीट का कंप्लीट, दिस का यहां पे चेंज हो जाएगा, दिस का लेट होता है, लेसन का लेसन, फर्स्ट का फर्स्ट। तो इस तरीके से भी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, सी सेड टू हर सिस्टर लेटर कंप्लीट दिस लेसन फर्स्ट। तो सी सजेस्टेड हर सिस्टर सी शुड कंप्लीट दैट लेसन फर्स्ट। सेंटेंस कैसा भी हो, हमें रूल्स को फॉलो करना है, थोड़ा सा सेंटेंस की सेंस को समझना है और सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। इसके और भी एक्सरसाइजेस आप ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो, है ना? और उस तरीके से आप क्या करोगे, ये लेट वाले सेंटेंस, ये लेट वाले सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट है ये। उसके बाद इसमें टू रूल्स और है लेट वाले सेंटेंस के अंदर, वो फिर अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको करेंगे। एक बार फिर से देख लो, हमने आज रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लेट से शुरू होता हो, तब लेट वाले सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम सेट टू को प्रपोज्ड, विश्ड या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं। हम कंजक्शन डेट यूज करते हैं, हम लेट को रिप्लेस करते हैं शुड से, हम वापस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लेट का फर्स्ट रूल यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर इसका सेकेंड और थर्ड रूल मैं आपको करूँगा। इसकी घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करो, सारे सेंटेंसेस आपके जो है बुक के अंदर गाइड के अंदर दे रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है तो फिर हम ऑफलाइन क्लासेस जब भी अपनी लगेगी तो हम थोड़ा और उसको रिवाइज ले लेंगे, रिविजन इसका कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।